झारखंड के गुमला में भ्रष्टाचार का नायाब नमूना देखने को मिला। डुमरी प्रखंड के जुर्मू पंचायत स्थित चरकाटोली नदी में करोड़ों की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही बह गया। ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण होने से पुल बारिश में बह जाने से ग्रामीणों का सामान चूर चूर हो गया। पुल ध्वस्त हो जाने से 25 गांव के हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। गांव में आदिवासी और आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो मरीज को खटिया से अस्पताल पहुंचाया जाता है। दरअसल चरकाटोली नदी में 1,12,00,000 रुपए की लागत से पुल बनाया गया था, लेकिन 5 साल पहले ये पुल ताश के पत्ते की तरह ढह गया। इसके बाद से पुल नहीं बनाया गया। कई गांव के लोग सालों से नदी पर पुल बनाने के लिए गुहार लगाते लगाते थक गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसा क्या था ये पुल और इधर गिर गया। 17 में तो पुल गिर गया, 17 में 2017 में तो पुल गिर गया। हम तो बाहर थे। हाँ तो हुआ, ये पार्टी लोग तो बहुत तंग कर रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। कोना में पत्थर है उसको। अब क्या चाहते हैं? बनाना चाहते हैं, बनवा दीजिए। जो पुल बना हुआ था वो पहली बरसात में 6-7 महीना के बाद में पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। और जो कि पुल ध्वस्त हो गया उसके चक्कर में 6-7 गांव प्रभावित हो गया है। और जो इसमें आता है, जो एम्बुलेंस सब आता है, सब इस गांव में बीमार पड़ जाते हैं, सब बहुत दिक्कत हो जाता है एम्बुलेंस आने के लिए। और 17-18 किलोमीटर घूम के एम्बुलेंस 4 चकिया 5 चकिया आता है इधर से। क्या मांग? जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम लोग पुल का मांग करना चाहते हैं, और प्लस रोड भी बनवाना चाहते हैं। आने जाने के लिए दिक्कत होता है, और नक्सल प्रभावित चक्कर में इस रोड मतलब बाधित हो गया है, और पुल भी बाधित हो गया है, और बनने नहीं सका। और आधा मतलब पूरा नहीं कोड़ने के वजह मतलब पूरा ध्वस्त हो गया। पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि 2016 में हुई बारिश में पुल का पिलर दब गया, जिसके कारण पुल ध्वस्त हो गया। उसके बाद पुल का निर्माण आज तक नहीं किया गया, और न ही घटिया पुल बनाने वाले दोषी ठेकेदार और इंजीनियर पर कोई कार्रवाई हुई। चरकाटोली नदी में जो पुल बना था लगभग साल भर भी नहीं बीता, पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। उस ध्वस्त होने के बाद हम लोग को इतना 10-11 गांव है, बहुत प्रभावित पड़ रहा है। इसमें से हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है, ना आने जाने का सुविधा है, ना कोई। और जब भी कोई भी काम लेते हैं चाहे तो कोई बार बीमार हो जाता है, तो उसमें ऐसा दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी नहीं आने के कारण कोई कोई मर भी जा रहे हैं। और पुल और रोड के चक्कर में हम लोग बड़े टापू के तरफ हम लोग मने बसल हुए हैं, तो अगर ये बन जाए तो बहुत बढ़िया रहता गांव, और 4-8-10 जो भी गांव है देखो सुविधा हो जाता आने जाने में। और कोई तरह का काम, ये सरकारी काम हो चाहे व्यक्तिगत काम हो, उसे हम लोग को जो रजावल दीना होके घुमा के आते हैं, मैंने 17-18 किलोमीटर दूरी से, तो हम लोग को बहुत मैंने नुकसानी हो रहा है इसमें कोई। वहीं कार्यपालक अभियंता अजय कुमार ने पूरे मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। ये हम तो जस्ट 20 तारीख को मैंने शाम में ज्वाइन यहाँ प्रभार लिए हैं, और कुछ पुल के अपने आप हम अपने स्थल निरीक्षण किए हैं। ये जो आप बता रहे हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं है, न प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहीं दिखाई दे रहा है न कहीं, तो इसको है कि हम व्यक्तिगत रूप से पहले तो साइट देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में, बिना देखे हुए कुछ बोलना हमारे लिए ठीक। इस गांव के ग्रामीणों ने विरोध में सड़क पर उतरने और पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल पहले बना ये पुल कुछ महीने में ही ध्वस्त हो गया। फिलहाल पीड़ित ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुल का निर्माण करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।